नमस्कार दोस्तों, Redmi Note 12 स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च होने वाला है और इसका लॉन्च किया जाएगा अमेजन के एप्लीकेशन पर। तो आज की इस वीडियो में इसी पर हम बात करेंगे और जानेंगे फुल डिटेल्स के साथ। तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरे एंड तक देखिए, तभी आपको समझ में आने वाला है। देखिए, Redmi Note 12 सीरीज इंडिया में लॉन्च होने वाला है, जिसके अंदर तीन फोन होगा। पहला होगा Redmi Note 12, जो कि लॉन्च होगा अमेजन के एप्लीकेशन पर, जबकि फ्लिपकार्ट के एप्लीकेशन पर लॉन्च होने वाला है Redmi Note 12 Pro और Redmi Note 12 Pro Plus। तो हम बात करेंगे Redmi Note 12 के बारे में, बिकॉज ये फोन काफी अच्छा खासा होगा और प्राइसिंग भी काफी कम होने वाला है। सबसे पहले हम बात करें लुक एंड डिजाइन का, तो आप यहाँ पर देख पाओगे इस स्मार्टफोन का लुक एंड डिजाइन कुछ इस तरीके से है। देखने में काफी इंटरेस्टिंग लगता है और ऐसा लुक एंड डिजाइन आपको Realme के फोन के अंतर्गत भी देखने को मिला होगा। तो यहाँ पर जो Redmi Note 12 सीरीज है, इसका जो बैक लुक है वो कुछ इस तरीके से है और ऐसा लुक आपने इससे पहले भी देखा होगा। अब चलिए हम बात करते हैं कि इस फोन का फुल स्पेसिफिकेशन क्या है। वैसे ये फोन अमेजन के एप्लीकेशन पे लॉन्च होने वाला है। Redmi Note 12 है, इसमें आपको देखने को मिलेगा 6.67 इंच का फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले और यहाँ पर जो डिस्प्ले है इसमें दिया जाएगा 120Hz का रिफ्रेश रेट। वैसे इस फोन का प्राइसिंग काफी कम होगा, लेकिन दिया जाएगा 120Hz का रिफ्रेश रेट और 360 का टच सैंपलिंग रेट भी होने वाला है। मतलब डिस्प्ले यहाँ पर काफी अच्छे लेवल का होगा और बेजल्स भी काफी पतले होने वाले हैं। अगर हम बात करें कैमरा सेटअप के बारे में, तो Redmi Note 12 स्मार्टफोन है, इसमें आपको देखने को मिलेगा 48MP का AI डुअल कैमरा, जहां पर 48MP का मेन कैमरा है। उसके बाद 2MP का दिया गया है डेप्थ कैमरा। अगर हम सेल्फी की बात करें तो इस फोन में आपको देखने को मिलेगा 8MP का सेल्फी कैमरा, जो कि आने वाला सेंटर टिनी पंच होल के साथ आप यहां पर देख पा रहे। अगर हम बात करें प्रोसेसर का, तो Redmi Note 12 स्मार्टफोन है, यह एक 5G स्मार्टफोन है और आपको देखने को मिलेगा स्नैपड्रैगन का 4th Gen 1 वाला प्रोसेसर, जो कि आने वाला है LPDDR4X रैम के साथ और UFS 2.2 स्टोरेज टाइप के साथ। ये प्रोसेसर काफी अच्छा है। वैसे इस फोन का प्राइसिंग भी काफी कम होने वाला है और उस प्राइस के हिसाब से ये प्रोसेसर काफी अच्छा हो जाता है और आपको इसमें देखने को मिलेगा अप टू 5G के बैंड, जो कि 5G के पर्पज से भी काफी अच्छा हो जाता है। अगर हम बात करें बैटरी और चार्जिंग टेक्नोलॉजी के बारे में, तो Redmi Note 12 स्मार्टफोन है, इसमें आपको देखने को मिलेगा 5000mAh का बैटरी, जो कि आने वाला है 33W चार्ज सपोर्ट के साथ और ये चार्जर बॉक्स में दिया जाएगा। अगर हम कुछ और स्पेसिफिकेशन की बात करें, तो Redmi Note 12 5G स्मार्टफोन है, इसमें दिया जाएगा साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट, डुअल स्टीरियो स्पीकर होने वाला है, हेडफोन जैक भी दिया जाएगा और इसका जो पहला वेरिएंट है वो होने वाला है 4/64 का। अब चलिए हम बात करते हैं इंडिया लॉन्च डेट एंड प्राइसिंग के बारे में। देखिए, ये फोन इंडिया में लॉन्च होने वाला है। वैसे Redmi Note 12 सीरीज इंडिया में लॉन्च होने वाला है, लेकिन जो Redmi Note 12 है ये लॉन्च होगा अमेजन के एप्लीकेशन पर, बाकी Redmi Note 12 Pro और Plus लॉन्च होने वाला है फ्लिपकार्ट के एप्लीकेशन पर। तीनों फोन का लॉन्च डेट बिल्कुल सिमिलर है। ये फोन लॉन्च होने वाला है 5 जनवरी को अमेजन के एप्लीकेशन पर। अगर हम प्राइसिंग की बात करें, तो Redmi Note 12 स्मार्टफोन है, इसका प्राइसिंग भी काफी अच्छा खासा होगा। मतलब इस फोन का स्टार्टिंग प्राइसिंग होने वाला है 13,500 रुपए, लेकिन डिस्काउंट वगैरह करने के बाद ये फोन आपको मिल सकता है 12,500 रुपए में। इस प्राइसिंग में ये फोन काफी अच्छा हो सकता है, बिकॉज जो डिस्प्ले है वो काफी अच्छा है और अदर स्पेसिफिकेशन भी काफी सही है इस प्राइसिंग के हिसाब से। तो आपको Redmi Note 12 स्मार्टफोन का प्राइसिंग कैसा लगा, आप हमें कमेंट में बता सकते हो। धन्यवाद।